दिवाली रश और ये काफी भीड़ भाड़ वाला मार्केट लग रहा है। तो रत्नागिरी सिटी से 6 किलोमीटर ऑफ ये ऐसा रास्ता चालू हो जाता है, तो दिस रोड इज गोइंग टुवर्ड्स गणपति किले। तो कल गणपति किले देखा तो था, बट सीन ये था कि गणपति किले में रुकना नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पहुँचने का जल्दी था। तो आज सोचा कि वहाँ पे गणपति किले है, हरे हरे बीच है और 4-5 लोकेशंस है, तो वो आज कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। कुछ 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अभी 16 किलोमीटर बता रहा है, 34 मिनट्स लगेगा और पहुँचने के लिए। रत्नागिरी से अराउंड 50 मिनट्स दिखा रहा था। जिप लाइनिंग, वहाँ से मस्त जिप लाइनिंग है। That's so cool, man. ऐसे लिखते तो है बस कोई ऐसे काफी नहीं है बताया जा रहा है। पूरा पार्किंग का सीन यहाँ पे अच्छा बना है। यहाँ पे मंदिर है और काफी बड़ा लाइन है। आई सपोज गणपति फुले बीच, सारा वाटर स्पोर्ट्स है यहाँ पे बाकी बीचेस की तरह। We can without malai.
हो कि यही बीच है। अरे रास्ता कोई नहीं आता। दिस इज सनसेट पॉइंट नियर भंडारवाड़ा। देखिए बीच काफ़ी सुनसान और खाली है। पूरा एम्प्टी बीच है और कोई भी नहीं है यहाँ पे। जस्ट लुक एट द बीच, कोई नहीं। कैन जस्ट चिल हियर, ठीक। बट इतना ही है कि अपना सामान खुद लेके आओ। कल मैंने मिस कर दिया था। वाह, वाह, वाह। जस्ट ये टर्न थोड़ा सा स्लो है ताकि आप ये व्यू को एंजॉय कर सको। वाह वाह, अमेजिंग। तो ये जो बीच है काजरवाटी बीच है, आगे यहाँ से 3 किलोमीटर्स पे है आरेवारे बीच। तो यहाँ पे नहीं उतर रहे, उतरने का प्लान था बट ऊपर से एकदम मस्त वाला व्यू मिल गया इसका, तो इसके लिए सोच रहा हूँ कि नहीं अभी आगे जाते हैं। ओवरऑल यार बहुत सही बीच है, यहाँ पे ज़्यादा कोई है भी नहीं। देखो ना पूरा खाली बीच है। आज का लंच तो यहाँ से मस्त वाला भांगड़ा थाली खाने के बाद चल रहे अरे वाले बीच की तरफ। तो टाइम हो रहा है 4:30 बजे और अब खाना खाया है। वहाँ पे मस्त पूरा बीच दिख रहा है। सारे बीच यही है सर, नॉट रॉन्ग। यही से इधर जाने का रास्ता होना चाहिए। चलो देखते हैं यहीं से कहीं। तो ये है वारी बीच, एकदम खाली है आप देख सकते हो। यहाँ पे उतरने के लिए यहाँ से डायरेक्ट रास्ता नहीं है, थोड़ा आगे जाके एक मंदिर है वहाँ से एक रास्ता है और थोड़ा सा यहीं से आगे जाके है आरे बीच। तो अगर आपको आइसोलेटेड प्लेस चाहिए जहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे आप आ सकते हो। मस्त एकदम फुल सुकून वाला, एकदम शांत वाला व्यू है। ये यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह है। सो दिस इज वारे बीच फॉर यू गाइस। चलो अब आ रहे जाते हैं। तो वारे बीच को बाय करके जा रहा हूँ वारे बीच की तरफ। यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह है, देखिए चिल करना है। अमेजिंग स्पॉट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द प्लेस जहाँ पे अपने को जाना है। उसके जरा जिप लाइन करते हैं।
से यहाँ से जिपलाइन अगर आपको करना है तो 500 रुपीज़ है, तो थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है। अरे ये है अरे वारे बीच में जाने का रास्ता, या अरे बीच में जाने का रास्ता मस्त है। अरे बीच देख के बस जा रहा है हम श्रीमती बीच देखने के लिए। बट यार अगर रत्नागिरी में आप आते हो तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। 5:45 हो रहा है, अभी बस 15 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। पेट्रोल भरने में डिले हो गया, फिर से पेट्रोल थोड़ा जैसे था फुल था, मैं बोला भर ही लेता हूँ थोड़ा और। अरे यार किस क्षति के बाद हो गया, मस्त वाला सनसेट हो रहा है, मस्त चिल एकदम ठंडा मौसम हो गया। खतरनाक वाला रास्ता सीक्रेट सिमिली करके जो बीच था वो प्लान ड्रॉप किया, क्योंकि यार एंड का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। चलो शाम से रात हो गया, सनसेट पॉइंट सनसेट नहीं देखने मिला, प्लस 2-3 पॉइंट भी छूट गए। ठीक है यार नो वरीज, अब जो छूटना था वो तो छूट गया। अरे बहुत ही मज़ा आया, हेक्टिक नहीं था, बहुत ज़्यादा एकदम आराम से घूमा। ये इन्होंने अपना इलाका बना दिया। ठीक था, वो कल का अभी फ़िलहाल कुछ प्लान फिक्स नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ तो ये 2-3 पॉइंट्स कवर करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आएंगे फिर कभी यार रत्नागिरी में वापस से। तो ठीक है चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में